वेल तो मैं आज की वीडियो में आपको देऊंगा द टॉप फाइव प्रोज एंड मे बी टू और थ्री नेगेटिव्स अबाउट द टाटा हैरियर जो हम चला रहे हैं इस वक्त. सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे हिसाब से है इस गाड़ी का राइड कंफर्ट. जी हाँ, जो राइड है इस गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है. इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी कैटेगरी में इस प्राइस पॉइंट पर अपने राइवल्स से, जो भी इसके राइवल्स हैं आप सब जानते ही हैं, इनफैक्ट अपनी ही बड़ी बहन या छोटी बहन के लिए सफारी से भी ज़्यादा अच्छा इसका राइड कंफर्ट है. बड़ा ही कंपोज राइड है, बड़ा ही पॉजिटिव राइड है और बड़ा ही मेच्योर राइड है. सारे के सारे गड्ढों को, सारे के सारे बैडली पैसिव रोड्स को आराम से थप्पड़ मार के साइड कर देती है. कोई भी झटका अगर आपको अंदर महसूस नहीं होगा. हाँ, अगर बड़ा एक्सपेंशन जॉइंट है किसी ब्रिज के ऊपर तो वो हो सकता है कि आपको लगे अंदर, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, खास तौर पे उन लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग हाईवे पर रहते हैं, क्योंकि हाईवे पर आपको जब स्पीड चाहिए होती है तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कम्फर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको बढ़िया राइड मिलेगा. तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है. सेकंड बड़ा रीजन गाड़ी को लेने का है इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स अब आते हैं. ADAS की जो पूरी की पूरी सुइट है ऑफ सेफ्टी किट, दैट इज जस्ट ब्रिलियंट. आपको मिलता है एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपको मिलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स, आपको मिलता है TPMS, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस कार. सो रियली टाटा मोटर्स नॉट ओनली इवन दे से दैट वी वांट सेफ कार्स फॉर इंडिया, दे ऑल्सो मीन इट. और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको टाटा की हैरियर में मिलती है. साथ ही साथ आपको मिलते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स, जो एक और रीज़न है इस गाड़ी को लेने का. रीज़न नंबर 3, जैसे कि आपको यहाँ मिलती है कूल फ्रंट सीट्स, साथ ही साथ आपको मिलता है बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो पहले भी आता था, एंड ऑफ कोर्स कम्प्लीटली डिजिटल टच एंड फील है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बटन हटा के उन्हें टच पैनल बना दिया गया है. तो वहाँ पे भी आपको मज़ा आएगा. इल्यूमिनेटेड यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो बहुत कूल लगता है, और उसके अलावा बड़ा 12 इंच का टच स्क्रीन विद JBL स्पीकर, जिनकी क्वालिटी बहुत ही आली शान है. तो किसी भी तरीके से ये गाड़ी में कमी नहीं है. फीचर्स की बात करें, सेफ्टी किट की बात करें, या फिर आप बात करें कंफर्ट की, हर चीज़ में गाड़ी आगे है. तो ये था तीसरा रीजन गाड़ी को लेने का. चौथा रीजन गाड़ी को लेने का है इसकी पीछे की सीट्स. अगर आप हैं एक शॉफर ड्रिवन कार बायर जो हमेशा पीछे बैठना पसंद करता है, आप कहते हैं नहीं मुझे आगे नहीं बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, और आप हमेशा ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो पीछे की सीट्स में स्पेस भी है, कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है, घर के सोफे के जैसी सीट्स हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल गद्दे वगैरह जो लगा रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं. तो किसी भी तरीके से कोई कमी वाली बात नहीं है, कोई कमी का एहसास आपको नहीं होगा जब आप पीछे की सीट्स पर बैठेंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच विल रियली इन्जॉय. जो बड़ा आर्मरेस्ट है बीच में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तीन लोगों को बैठाना चाहे तीन लोग बैठ सकते हैं, चौड़ी सीट्स हैं. तो ये भी एक बड़ा रीज़न है उन लोगों के लिए जो फैमिली ट्रिप्स पर निकलना पसंद करते हैं, बड़ी गाड़ी चाहिए. और हाँ, अगर फैमिली ट्रिप्स की बात करें और डिक्की की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता. फिफ्थ रीज़न टू बाय दिस कार इज़ बिकॉज ऑफ दी एक्सलेंट एंड द वेरी स्पेशियस एंड डीप बूट. बहुत ही बड़ा बूट है, डीप बूट है, और किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं है डिक्की के अंदर. तो वो लोग जो हमेशा लंबे सफ़र पर निकलते हैं घर वालों के साथ, उनको मज़ा आएगा. और एक छठा रीज़न देते हैं, एक्स्ट्रा रीज़न देते हैं आपको, वो ये है कि जो इसके लुक्स हैं अब पहले से ज़्यादा डायनामिक हैं, पहले से ज़्यादा स्पोर्टी हैं और पहले से ज़्यादा मस्कुलर है. ये गाड़ी यूथफुल लगती है अब, और ये एक बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो एक डायनामिक और शार्प लुकिंग कार चाहते हैं. तो वो भी एक पॉजिटिव है. और एक और पॉजिटिव मैं आपको देता हूँ, वो है JBL के स्पीकर्स. अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं, आप गाड़ी खरीदते ही है म्यूज़िक सिस्टम के लिए, और आप कहते हैं कि मुझे नहीं जाना करोल बाग, मुझे नहीं जाना आफ्टर मार्केट से अपने स्पीकर सेटअप वगैरह कराने, तो आपके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है. वूफर, सब वूफर, ट्विटर, सब कुछ मिल जाते हैं आपको. सेफ्टी के साथ साथ याद है कि 7 एयरबैग्स हैं, साथ साथ ही मल्टीपल स्पीकर सेटअप मिलता है. तो स्पीकर के मामले में, म्यूजिक सिस्टम के मामले में अल्टीमेट गाड़ी है सेगमेंट में, और बहुत मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी को चला के. उसके अलावा मैं आपको 2 नेगेटिव भी बताया था, ये सारी बातें बता रहा हूँ. तो नेगेटिव ये है कि जो इसका ये AC का कंट्रोल है, जो पंखे की स्पीड को ऊपर करने और नीचे करने के लिए है, ये कभी कभी ठीक से काम नहीं करता है. कभी आपको लगेगा कि मैं स्पीड सिर्फ एक ही लेवल पर आ जाता हूँ तो एकदम से ऐसे बढ़ जाएगी, और कभी आप सोचेंगे कि मैं एक ही लेवल डाउन करता हूँ, डाउन नहीं होगी, तो आप फ्रस्ट्रेशन में या कभी इरिटेशन में जल्दी करेंगे, फिर आप टच वाले इसको यूज़ कर लेंगे, टच स्क्रीन को उसकी जगह. तो ये भी यू नो थोड़ा सा एक है कि कभी कभी नहीं करता है ठीक से काम. ये तो करता है टच स्क्रीन, लेकिन नीचे ना पैनल नहीं करता है. तो इट्स नॉट अ बिग नेगेटिव, ऐसा नहीं कि डील ब्रेकर वाली बात है, क्योंकि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अगर आता है इसमें तो फीचर्स तो बहुत हैं. लेकिन हाँ, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं डायरेक्ट टच स्क्रीन से ही इसे ऑपरेट करूँ. उसके अलावा दूसरा नेगेटिव ये है कि इसके अंदर डीजल इंजन ही आता है, पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है अभी टाटा ने. तो ये भी आई थिंक कुछ इन्हें सुधारना चाहिए. पेट्रोल गैस है, उसे डाल सकते हैं ये, क्यों नहीं डाल रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन डालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि XUV में आता है, MG Hector में आता है, उन गाड़ी में जब आता है और बिकती भी है ठीक ठाक,
तो इनको भी ऑप्शन अब देना चाहिए. इतने सारे फीचर दे दिए, इतना सारा कम्फर्ट दे देते, अच्छे लुक्स दे दिए, तो एक वो ऑप्शन भी डाल देते तो अच्छा रहता. अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है तो मेरा X7 नंबर लोगों का वीडियो देखिए, या फिर मेरा MG Hector का वीडियो देखिए, पेट्रोल का उसके लिंक नीचे डाल दूंगा, या यहाँ पॉप आउट बैनर पर क्लिक कर सकते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड आई थिंक दैट वन बिग रीजन वाई शुड ऑल्सो बाय इट, लास्ट में बताए थे, वो ये है कि इसके जो डिफरेंट वर्जन आते हैं, डिफरेंट पर्सोना जो इनको कहते हैं, उन सबकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग लगती है. सबकी पर्सनैलिटी अलग है. स्मार्ट पर्सोना, प्योर पर्सोना, एडवेंचर पर्सोना, कोई सा भी आप लिख लीजिए, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग लगती है. तो बजट के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आप चॉइस कर सकते हैं. और ये भी एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो हमेशा एक इंडिविजुअलिस्टिक गाड़ी चाहते हैं. तो ये थे मेरे प्रोज, ये थे मेरे कॉन्स. आपको कैसे लगे आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप पेट्रोल गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक डाल देंगे, MG Hector या फिर X7 के पेट्रोल में. और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना. मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं. बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.